औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट नाइन्थ का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, कैरियर्स इन बायोलॉजी। हम कौन कौन से बायोलॉजी में कैरियर्स चूज कर सकते हैं? मेडिसिन इन सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है? इसमें सबसे पहले हम डायग्नोज करते हैं कि हमें बीमारी, पेशेंट को बीमारी क्या है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी मे बी रिपेयर्ड भी कर सकते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। बोथ दिस प्रोफेशन आर स्टडीड इन सेम बेसिक कोर्स, MBBS करेंगे तो ये मेडिसिन और सर्जरी हम लोग स्पेशलाइजेशन इसके बाद कर सकते हैं। देन है फिशरीज। फिशरीज इज़ द प्रोफेशनल स्टडीज ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन की प्रोफेशनल स्टडी है। देयर आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड, हम हायर करते हैं, हायर किए जाते हैं। दे सर्व फॉर इन्हांसिंग क्वालिटी और क्वान्टिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं के फिश की प्रोडक्शन को, की क्वालिटी को और क्वांटिटी को हम इन्हेंस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इन पाकिस्तान। दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर बैचलर्स ऑफ और मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ जूलॉजी एंड फिशरीज। फिशरीज को कि बैचलर और मास्टर्स करने के बाद हम लोग इस प्रोफेशनल को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। द प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप एंड एनिमल, इसमें हम लोग फसलों पे ज़्यादा स्टडी करते हैं। ये प्रोफेशन फसलों और एनिमल्स के बारे में है। विच आर सोर्स ऑफ फूड, ये एक खुराक का जरिया है। एंड एग्रीकल्चरल्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप, कि किस किस तरीके से अपनी फसलों को बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनको कीमत में बेहतरी लाई जा सकती है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द, ये एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है जो कि केयर और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो कि एहतियात और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो कि ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल यानी कि कैटल और शीप वगैरह की ब्रीडिंग से हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्ट आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर में हम लोग गार्डनिंग, बागवानी के बारे में पढ़ते हैं। और हॉर्टिकल्चर्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वराइटीज़, के हम इसमें सपोज कर लेंगे फ्लावर्स की वराइटीज़ को हम किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वराइटीज़ को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग। इट डील्स विद द डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म, इसमें हम फार्म पोल्ट्री फॉर्म्स हो गए जैसे, इनकी बेटरमेंट्स और मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस। सिमिलरली इन फूड फार्म्स डिफरेंट फूड यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। अ स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्रीज और फिशेज कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री क्या है? इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचर फॉरेस्ट, जंगलात को देखते हैं कि और एडवाइस करते हैं कि कौन सी जगह सूटेबल है या नहीं। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें आपको ऑफर कर रही हैं, फॉरेस्ट्री को ऑफर कर रही हैं। और नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ये सबसे लेटेस्ट प्रोफेशन है। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी और एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम लोग जैसे वैक्सीन तैयार होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर ऑफ लेवल ऑफ बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी के स्टडी के बाद हम लोग इसको हायर लेवल पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।